नमस्कार, आप देख रहे हैं INN 24 और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। INN 24 न्यूज परिवार की तरफ से आप सभी देशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। बुलेटिन में सबसे पहले हेडलाइंस। और महाराष्ट्र के अमरावती जिले में धूमधाम से चल रही है गणेश उत्सव की तैयारियां, गणेश मूर्तियों पर चल रहे हैं रंग। महाराष्ट्र के अमरावती जिले में धूमधाम से गणेश पूजा की तैयारी चल रही है। पूरे देश भर में गणेश जी की आगामी 25 अगस्त से मनाई जाने वाली 10 दिवसीय गणेश उत्सव के चलते शहर के मूर्तिकारों के यहां छोटी मूर्तियों से लेकर बड़ी मूर्तियों पर अब रंग चढ़ने लगा है। दरअसल अधिकतर मूर्तिकार 3 महीने बाद से ही छोटी मूर्तियां बनाने का काम शुरू कर देते हैं। बड़ी मूर्तियां ऑर्डर के अनुसार बनाई जाती हैं। यहां के बायपास रोड स्थित मूर्तिकार इन दिनों गणेश मूर्तियों को अंतिम रूप देने में व्यस्त हैं। मूर्तिकार व कलाकार रात दिन इसके लिए मेहनत कर रहे हैं। आपको बता दें कि मूर्तिकार द्वारा बनाई गई मूर्तियों के दामों में बढ़ोतरी प्रतिवर्ष देखी जाती है। हमारे जो नाना थे मूर्तिकार श्रीराम सराफ, जो सुप्रसिद्ध थे, उनका ही हम वारसा आगे चला रहे। ये हमारी तीसरी पीढ़ी है, 50 साल से हमारे यहाँ मूर्ति का बिजनेस हो रहा है। दूर दूर से मूर्ति की मांग के हिसाब से हम उसकी मूर्ति ऑर्डर पे बनाते हैं, वही मूर्ति हम देते हैं। और नियर अबाउट हमारा 3 महीने काम चलता है, 3 महीने में हमारा सब काम कंप्लीट हो जाता है। हमारे कारखाने में 6-7 लेबर है, उनका साथ अच्छी तरह मिल जाता है। अभी जो गवर्नमेंट ने GST लगाई है, तो ये GST के बेस पे जो रेट बढ़ना चाहिए था, हाँ, उसका असर ये साल तो कोई लगेगा नहीं, क्योंकि लगभग सभी मूर्ति का माल तैयार हो चुका था जी। तैयार होने के कारण जब वो खरीदी हुई माल, तो 2-3 महीने पहले GST अभी चालू हुई जी। कोई रेट का कोई इशू रहेगा नहीं, बस 2-4% बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, नहीं तो वही रेट रहेंगे। पेंट में भी कोई असर नहीं है, QP या मट्टी में भी कोई इतना रेट का फर्क गिरा नहीं है। उस हिसाब से हमारा बिजनेस चालू है। भगवान आएंगे, गणेश जी सबको देश में शांति लाएंगे, ये मनोकामना रखते हैं। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहें INN 24 पर। नमस्कार।